बुंदेलखंड में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है महाबुलिया। बताते चलें, महाबुलिया के बारे में अधिकांश लोगों को नहीं होती जानकारी, लेकिन प्रतिवर्ष इस परंपरा का निर्वहन बच्चों के द्वारा किया जाता है, जिसमें घर परिवार के लोगों का भी भारी सहयोग देखने को मिलता है। कहा जाता है कि सदियों वर्ष पहले महाबुलिया नाम की एक वृद्ध महिला हुआ करती थी, जिन्होंने मृत बच्चों के तर्पण करने के लिए इस विशेष पूजा की शुरुआत की थी। बाद में इनका नाम ही महाबुलिया पड़ गया, जिसे गांव के लोग अब बराबर परंपरा को निभाते चले जा रहे हैं। बुंदेलखंड अंचल में प्रचलित महाबुलिया एक ऐसी अनूठी परंपरा है, जिसे घर के बुजुर्गों के स्थान पर छोटे छोटे बच्चे मनाते हैं। समय में बदलाव के साथ हालांकि यह अब परंपरा गाँव तक ही सिमट कर रह गई है। बुंदेलखंड में लोक जीवन की विविध रंगों में पितृपक्ष पर पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भी अंदाजा जुटा है। पुरखों के तर्पण के लिए यह पूजन अनुष्ठान श्राद्ध आदि के आयोजकों के अतिरिक्त बच्चों बालिकाओं की महाबुलिया पूजा बेहद खास रहती है, जो नई पीढ़ी को संस्कार भी सिखाती है। पूरे 15 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में गोधूली वेला हर शाम रोज पितृ आवाहन और विसर्जन के साथ इसका आयोजन संपन्न होता है। क्षेत्रों में लोक पर्व का दर्जा प्राप्त महाबुलिया की पूजा का भी अलग तरीका है। बच्चे कई समूह में बांटकर इसको आयोजन को सफल बनाते हैं। यहाँ से आ, ऊपर से आ, ऊपर से देख, ऊपर महाबुलिया की परंपरा है, कब से चली आ रही, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जा रहा है? ये परंपरा तो हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे सब खेला करते थे, हम लोग अपनी मम्मी पापा से कहा करते थे हम भी जा रहे हैं खेलने। हमारे मम्मी पापा हम लोग का पूरा सहयोग करते थे, हम लोग भी खेला करते थे। और आज के फैशन में बच्चे संकोच करते हैं, इतना बिजी हो गए हैं बच्चे कि पढ़ाई और कोचिंग में इतना व्यस्त हो गए बच्चे खेल नहीं पाते। तो हम लोग ने अपने बच्चों का आगे लेके आए हैं, ये परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए बच्चों का सहयोग किया। और आज पूरे 15 दिन के 16वें दिन अपने बच्चों के साथ विसर्जन में आए हैं। अब पूरे हर्ष और उल्लास से बच्चों का सहयोग किया है और बच्चे हमारे बहुत खुश हैं। खुश होना तुम लोग, बिल्कुल। ये क्यों किया जाता है, ये कब से परंपरा चली आ रही है? ये परंपरा तो अब सीता जी के उसमें सीता जी थी जब से आया, क्योंकि इसमें एक गाना है, देखो तो आज सीता वनवास जा रही है, महलों में रहने वाली कांटों पे चल रही है। तो ये सीता जी के ही उसमें है। अब हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते, हमने जो देखा अपने माँ बाप से सीखा वही अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। कई वक्तों चली आ रही है, ये पुरानी चली आ रही है, बच्चे लोग चले आ रहे हैं। आप लोगों का ऐसा क्या सहयोग रहता है? जितना हो जाता है सब बच्चों के लिए करते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।